नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। भारत में शायद ही कोई पढ़ा लिखा तबका रिजर्वेशन के अगेंस्ट होगा, लेकिन इसका ये कहीं से मतलब नहीं है कि आप रिजर्वेशन महज किसी के जाति या धर्म को देख के दे दें। जिस तरीके से नॉर्मली हम अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को समय दर समय अपडेट करते हैं या रिप्लेस करते हैं, जरूरी होता है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी कि वो समय दर समय नियम कानून में बदलाव करें और समय के साथ उसे अपडेट करें। जहां तक बात किया जाए भारत में रिजर्वेशन के बारे में, तो ये जानना बेहद जरूरी होता है कि जिसको रिजर्वेशन दिया जा रहा, क्या वो सच में रिजर्वेशन डिजर्व करता है या नहीं। इसी से संबंधित एक तारीख को यानी कि बीते रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बेहद इंपॉर्टेंट सजेशन दिया जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। पूजा खेड़कर का मामला हमारे सामने एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, जहाँ हमें मालूम पड़ता है कि किस तरीके से रिजर्वेशन का मिसयूज किया गया था। और उसी दौरान बहुत सारे और भी ऑफिसर्स के बारे में नाम आया था, जहां पे ये साफ दिख रहा था कि उन सभी ऑफिसर्स ने जानबूझ के रिजर्वेशन का मिसयूज किया है। लेकिन ना ही तो उसके बारे में यूपीएससी ने कुछ कहा, ना ही तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कहा। इसका साफ मतलब होता है कि जिन लोगों को रिजर्वेशन या कोटा मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला, और वो रिजर्वेशन या कोटा उन्हीं को मिला जो पहले से सक्षम थे या जो पहले से मजबूत थे। अगर आप सिंपली रिजर्वेशन वर्ड को अगर आप डिकोड करना चाहे या इनफैक्ट बहुत ही आसान शब्दों में समझना चाहे, तो ये एक टाइप का प्रोटेक्शन दिया जाता है, जहां पे ये माना जाता है कि आप कमजोर हैं और आपको किसी भी तरीके से सपोर्ट का जरूरत है ताकि आप मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बने। उसके बाद जब हम भारत की डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, तो भारत का डेवलपमेंट किसी एक या दो सेगमेंट से नहीं आता है, बल्कि भारत का डेवलपमेंट तभी होगा जब भारत में जितने भी लोग रह रहे उन सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन हो। और ये बेहद जरूरी होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स ये सुनिश्चित करे कि जितने भी लोग पिछड़े हैं किसी भी कारण से या उनको दबाया गया है, उनको रिजर्वेशन दिया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए ताकि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बने और इस देश के डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट करें। इसको बहुत ही हम एक आसान एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं। आप मानिए कि आप एक ब्रिज से गुजर रहे हैं जहां पे 10 या 12 पिलर्स हैं। अगर आप सिर्फ 2 या 3 पिलर्स का मरम्मत करते रहेंगे और बाकी पिलर्स को अगर आप छोड़ देंगे, तो मालूम पड़ेगा कि एक टाइम के बाद वो 2 या 3 पिलर्स जिसके ऊपर आप बार बार काम कर रहे थे, वो उस पूरे ब्रिज का बोझ नहीं उठा पाया। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि उस ब्रिज में जितने भी पिलर्स हैं सभी को हम समय दर समय इक्वल तरीके से रिपेयर करें, मॉनिटर करें, और जो भी कमियां हैं उसको हम पूरा करें। पर्सनली मैंने भी ऑब्जर्व किया है, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, कि कितनी बार कोई एक फैमिली रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, लेकिन वो अपने मेहनत के साथ काफी अच्छा अपनी जिंदगी में काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद देखा गया है कि जो ऑलरेडी डेवलप हो गए हैं और वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन गए हैं, वो अभी भी रिजर्वेशन लेते हैं। तो आप समझिए कि एक वैसा फैमिली जो आज भी झारखंड के किसी इंटीरियर इलाके में रह रहा या इनफैक्ट उड़ीसा में रह रहा, और वो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी भी उनके पास वो क्षमता नहीं है जहां पे वो किसी भी तरीके से मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बने। तो अगर आप इन दोनों फैमिली के बीच में अगर आप कंपेयर करेंगे, तो इनको रिजर्वेशन की आवश्यकता अधिक है या जेन्युइनली इनको रिक्वायरमेंट है। ये जो फैमिली है वो ऑलरेडी तरक्की कर चुका है, यहाँ पे सफिशियंट अमाउंट ऑफ फंड्स आ गए हैं, इनके जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरीके से रिजर्वेशन देने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। लेकिन वहां पे लॉजिक डेफिनेटली बनता है जो अभी तक अपने फैमिली को मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा नहीं बना पाए हैं। तो इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1 अगस्त को एक बेहद ही इंपॉर्टेंट फैसला सुनाया, जहां पे वो ये कहते हैं कि शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब में भी क्रीमी लेयर टाइप का कोई एक सब कैटेगराइजेशन करना चाहिए, जहां पे हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उन सब फैमिलीज को रिजर्वेशन ना मिले जो ऑलरेडी तरक्की कर चुके हैं या जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बन गए हैं। और इस फैसला को सुनाने के लिए एक बेंच में 7 जजेस थे, जहां पे 6 जजेस का यही मानना था कि शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब में भी सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए जहां पे हम आइडेंटिफाई कर सकें। साथ में कोर्ट आगे बढ़ के ये भी कहते हैं कि जब हम सब क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास पर्याप्त नंबर्स होने चाहिए, हमारे पास पर्याप्त डेटा होना चाहिए, या यूं कह ले कि हमारे पास सफिशियंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि किसको रिजर्वेशन मिले और किसको ना मिले। उसके बाद क्या है कि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है, जहां पर नॉर्मली हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो करे सो करे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर स्टेट के पास उनके अपने भी सरकार होते हैं। और उसके बाद अगर हम भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को समझना चाहें, तो सबसे ऊपर होता है सेंटर, उसके ऊपर उसके बाद होता है स्टेट, और लास्ट में होता है म्युनिसिपैलिटी या पंचायत। तो सभी के पास कुछ ना कुछ पावर्स दिए जाते
जाते हैं ताकि उन सब पावर्स का इस्तेमाल करके राज्यों को या कस्बों को चलाया जाए। तो सपोज दैट बिहार के किसी गांव में अगर कोई तकलीफ है या इनफैक्ट 5-6 गांव में सेम सिमिलर प्रॉब्लम चल रहा, तो उस प्रॉब्लम को जो आइडेंटिफाई किया जाता है वो पंचायत या म्युनिसिपैलिटी के द्वारा किया जाएगा और उस प्रॉब्लम को फिर आगे भेजा जाएगा स्टेट के पास। तो कहने का मतलब है कि जितनी जिम्मेदारी सेंटर की बनती है उतनी स्टेट की बनती है और उतने ही लोकल गवर्नमेंट की भी बनती है। साथ में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में भी, तो वहां पे स्टेट का जो रोल है उसके ऊपर फोकस किया गया और बताया गया कि ये वो सुनिश्चित करें कि उनके राज्य में या उनके कस्बे में कौन सा सेगमेंट कितना पिछड़ा है और कौन सा सेगमेंट कितना आगे है, ताकि हमें ये पता रहे कि किसको कितना देना चाहिए और किसको कितना नहीं देना चाहिए। ये हो सकता है कि दिल्ली का प्रॉब्लम चंडीगढ़ का प्रॉब्लम ना हो या हरियाणा के 5 गांव का प्रॉब्लम किसी और 5 गांव से ना मिले, तो ये सिर्फ और सिर्फ वहां के जो पंचायत हैं या स्टेट हैं ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें और जो मैटर है उसको नोटिस करें। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट का पूरा व्यू अगर आप उसको समझना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट भी इसी बात पे फोकस कर रहे हैं कि जब आप इक्वालिटी की बातें करते हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप ये जो इक्वल राइट्स है जो आप रिजर्वेशन दे रहे हैं आप किसको दे रहे हैं। जो फैमिली ऑलरेडी एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बन चुका है उसको अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस फैमिली के साथ आप गलत कर रहे हैं जिनको आज भी जेन्युइनली रिक्वायरमेंट है रिजर्वेशन का। और साथ में ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर बातें की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि भारत के डेवलपमेंट में हर किसी का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन है और इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या है ना, कभी अगर आपको पॉलिटी पढ़ने का मौका मिले तो आप पढ़िएगा, जहां पे आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत सारी चीजों को डिफाइन नहीं किया गया है। तो जब भी कोई ऐसा चीज को जब आप डिफाइन कर देते हैं तो आपका जो सोचने या आपके जो पॉलिसी फॉर्मेशन का जो दायरा होता है वो सीमित हो जाता है। तो इसीलिए भी बेहद जरूरी होता है कि जो इश्यूज तमिलनाडु का है वो केरला का नहीं हो सकता है, या हो सके कि 80% जो दोनों का इश्यूज है वो सेम रहे। तो अगर जब आप किसी भी चीज को डिफाइन कर देते हैं तो आप उसको बांध देते हैं, जब आप उसको बांध देते हैं तो उसके बाहर आप नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए बेहद जरूरी होता है कि जब हम सोसाइटी में रहें तो सिर्फ हम अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट ना करें बल्कि हम सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखें और कंसिडर करें। हो सकता है किसी के लिए 10,000 रुपए का सैलरी बहुत बड़ा रकम हो और हो सकता है कि कोई 50,000 से कम में काम करना ही ना चाहे। तो जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो अलग अलग लोग रहते हैं और सभी के अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं, डिपेंड करता है परिस्थिति के ऊपर। जहां तक बात किया जाए शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब कैटेगराइजेशन के बारे में, तो जस्टिस गवई सर भी इस चीज को डिफाइन नहीं करते हैं और वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ये ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं ताकि आप ये सुनिश्चित करें कि आप किस तरीके से शेड्यूल कास्ट के या शेड्यूल ट्राइब के उन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे जिनको जेन्युइनली रिक्वायरमेंट है रिजर्वेशन का। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें जस्टिस पंकज मित्तल सर का, तो ये एक इशारे में या यूं कह ले कि ये एक एग्जांपल देते हैं जहां पे ये कहते हैं कि ऑलरेडी जिसका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है या एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है जहां पे फीस काफी अच्छा है, तो उसको किसी भी तरीके से रिजर्वेशन देने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, बल्कि लॉजिक उसको बनता है जो आज भी किसी तरीके से पिछड़ा है, जिनके घर में आज भी एक सही तरीके का सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं हो पाया है और जिनके पास आज भी एक बेसिक जिंदगी जीने के लिए नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर आप मोर और लेस समझना चाहें तो ऑलमोस्ट हमारे जो जजेस थे उन सभी का ये ओपिनियन था कि आप आंख बंद करके किसी को भी रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, समय आ गया है जहां पे आप उस सेगमेंट में भी आइडेंटिफाई करें कि किसको मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए। जैसा कि हम सभी को पता है कि ओबीसी में भी दो सेगमेंट है, एक है क्रीमी लेयर और दूसरा है नॉन क्रीमी लेयर। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है कि ओबीसी में वैसे लोग जो ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं और जिनका सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो चुका है, उनको किसी भी तरीके से रिजर्वेशन देने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, बल्कि उनको मिलना चाहिए जो आज भी बैकवर्ड है एजुकेशन वाइज और सोशियो इकोनॉमिक तरीके से वो अपने आप अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं। और अगर आप एग्जैक्टली बात करें कि ये क्रीमी लेयर का आइडिया कहां से आया था, तो साल 1990 में हमारे वीपी सिंह सर की सरकार थी जहां पे वो 27% रिजर्वेशन देते हैं उन सब कैटेगरीज के लोगों को जो किसी भी तरीके से सोशली एजुकेशन वाइज और फाइनेंशियली डेवलप नहीं कर पाए हैं, जहां पर रिजर्वेशन दिया जाता है 27%।
परसेंट, लेकिन इस चीज को फिर चैलेंज किया जाता है। लेकिन फिर साल 1992 में 9 जजेस के बेंच ये कहते हैं कि रिजर्वेशन जो ओबीसी को मिला है वो सही है, लेकिन उसके अंदर भी हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन डेवलप हो चुका है और कौन डेवलप नहीं हुआ है। जो डेवलप हो गया है उसको रिजर्वेशन देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मोर और लेस अगर हम समझना चाहें तो ये बहुत ही एक अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस आइडिया को दिया है, और यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है स्टेट गवर्नमेंट्स की कि वो किस तरीके से इस आइडिया को अंजाम तक पहुंचाए, एग्जीक्यूट करें। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।